कैप्टन सतनाम सिंह जी सूबा प्रधान जमहूरी किसान सभा तैयार हैं। हुण स्टेज की जिहड़ी अगली कार्रवाई है, मेरा टाइम स्टेज का समाप्त हुंदा वा। हुण स्टेज की सेवा जिहड़ी है प्रधान परविंदर सिंह मठोड़ा जिला प्रधान बीके जू राजेवाल गुरदासपुर तो वह निभाउणगे। मैं संगत कोलों माफ़ी मंगदा वा जेकर मेरे को कोई गलती होवे ते जरना पे मैं मैनू संगत जिहड़ी आ उह बख्शणहार आ। और मैं अखीर दे विच कोई बोलना, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पर बैठे हुए किसान लीडर्स और बड़े बड़े लोग हैं यहाँ इकट्ठा हुआ है, और सामने महिलाएं हैं, किसान भाइयों हैं, और ये पूरा आधे घंटे तक वहाँ हम चल के देखा है। बहुत सी किसान पंजाब से, हरियाणा से, सब परिवारों के साथ यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अब तक 100 दिन पूरे हो गए और भी चल रहे हैं। अक्टूबर तक चलने का प्लानिंग हो गया है। आप सभी को तेलंगाना से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सबको प्रणाम कर रहा हूं। मैं यहां भाषण देने के नहीं आए, आपको देखने के लिए, अपना अपनों को सुनाने के लिए। क्या हो रहा है यहां पे? कुछ बाहर हमारा मूवमेंट के बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं, वो सही या नहीं? जब मैं मेरे साथियों से बात करा और देखा, यहाँ तो पूरा का पूरा किसान है, वो पूरा कमिटमेंट के साथ आपका खेती बाज घर छोड़ के यहाँ पे एक मुद्दे पर यहाँ 100 दिन से बाद भी यहाँ आपका मूवमेंट चल रहा है, इसका मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। और ये किसानों का मुद्दा क्या है? मोदी गवर्नमेंट 3 किसान व्यतिरिक्त शासन लागू किया, उसका रिपील करने के लिए, तो समाप्त करने के लिए हम एक विचारधारा पर यहां बैठे हुए हैं। ये मोदी का गवर्नमेंट क्यों किसान के ऊपर जंग कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहे हैं। उन्हें बोलते हैं कि 225 में हमारा किसानों का
इनकम को डबल करना है। कैसा डबल करवाते आप? कॉरपोरेट लोगों को पूरा देश को भेज के और हमारा किसानों का ये फार्मिंग है वो व्यवसाय करना है वहां से दूर करके पूरा का पूरा कॉरपोरेटेशन करने के लिए आप समझ रहे हैं तो किसका इनकम बढ़ रहा है? एक लॉकडाउन में क्या हो गया है? ये लॉकडाउन के पीरियड में और इस साल में हमारा आम आदमी का इनकम जो था वो 1,07,300 करोड़ का नुकसान। मगम का वो अभी भी वो करोड़पतियों का वो लिस्ट है ना, वो लिस्ट में उन्हें पहले एक दो अंक में है। तो क्या है ये? किसका इनकम बढ़ रहा है? ये किसानों का या कॉरपोरेट वालों का? मैं अखबार में पढ़ा हूं कि मोदी जी 5-6 बार उन्हें दुखित हुआ है, इमोशनल हो गए, सेंटिमेंट मिला के। मैं पूछ रहा हूं इस मंच से, सऊद का ऊपर से ये मूवमेंट चल रहा है, 5 बॉर्डर्स में लाखों का किसान गांव छोड़ के यहां निर्भर से ताकत से लड़ रहा है। आपको मन नहीं आ रहे हैं क्या? आपका दिल पत्थर हो गया क्या? क्यों वो शासनों को वो हमारा किसानों का खिलाफ है, क्यों उसको रिपील नहीं कर रहे हैं? अब तो पार्लियामेंट चल रहा है, पहले वो रिपील करो, देन हमारा किसानों का लीडर्स है उनसे बात करो, उनका तकलीफ क्या है समझो, क्यों वो ये शासनों के रिपील करने के लिए फाइट कर रहा है। ये तो हमको अंग्रेजी में ज़्यादा बोलने का है मगर हिंदी में थोड़ा कम है, इसी वास्ते मुझे माफ़ करो कोई गलती है तो। द एसेंस दैट इज़ अ मेन थिंग आई वांट टू प्रेजेंट बिफोर यू इज दैट द फाइट अगेंस्ट द लॉस is genuine. Here I am seeing most of the farmers are from the small and marginal holdings and they are not the crorepatis, they are basic farmers, and I appeal the Modi government to listen the voice of lakhs of farmers. They are at the 5 borders of Delhi. Why they are here for more than 100 days?
listen to their issues, why they are opposing these laws. Try to understand the situation and act with a vision, and don't put false statements against our Kisan, against our Kisan. They are not the terrorists, they are not the lawbreakers, they are not the agents of anybody. They are farmers. They are working for the nation. Without these farmers, we cannot have food for a single day. Jai Jawan, Jai Kisan. Kisanon ka ekta, Jindabad, Jindabad. Thank you, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब का। हुण मैं बेनती करांगा।